देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने बेटा जी नेक्स्ट जो गुफ्तगू करनी है वो कल आपको बताया था कि 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और एक 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो 1-2 है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो तो उस हालत में है जब कोई भी एनोमेरिक कार्बन फ्री हालत में ना हो, लेकिन अगर एक कार्बन एनोमेरिक हो और दूसरी फ्री हालत में हो तो उसको बोलते हैं 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो मोनोसेक्राइड के दरमियान ये बनती है। और फिर हमने कहा था कि अगर 1-2 हो तो वो नॉन रिड्यूसिंग होती है, जैसा कि सुक्रोज की हमने पहले एग्जाम्पल देखी थी, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिले थे तो हमने कहा था सुक्रोज बना था, और 2 ग्लूकोज मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा। अब हम आपको 1-4 वाली गुफ्तगू बताएंगे। तो देखें जरा, यहां पे हमने लिख दिया, कल भी इस बात को मेंशन किया कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये दो चीजें बताई साइलेंट, और हमने कहा माल्टोज। अब आपको कल भी इस बात का हमने बताया था कि ये एक डाइसेक्राइड है या ओलिगोसेक्राइड है। अब ग्लूकोज को मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे, ये मैंने ग्लूकोज को ड्रॉ किया यहां पे, ठीक है। और ये कार्बन, ये दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और छठी, ठीक है। इसी तरह से प्लस इसके सामने एक और हम ग्लूकोज को ऐड करेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। तो देखो ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये बात हुई थी। 2 ग्लूकोज मिले। अब इनके इसकी हालत में गौर कीजिएगा जरा, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था वो स्ट्रक्चर यहां पे आपको बताता हूं। वो स्ट्रक्चर हमने बताया था ये वाला, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, CH2OH OH OH HO H H, ये कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन, और ये हाइड्रोजन। तो एनोमेरिक कार्बन जो है कार्बन नंबर 1 है इसमें, ऐसा ही है, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये सारी बात पहले बता चुका आपने, ठीक है। इसमें एनोमेरिक कार्बन क्या है, 1 है, ये वाली जो है ये एनोमेरिक कार्बन है, याद रखें। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सी है, कार्बन नंबर 1, याद रहेगा। अच्छा, तो उस वक्त रिंग स्ट्रक्चर के लिए फ्रुक्टोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सी थी, 2। तो 2 एनोमेरिक के दरमियान जो बांध बना था वो था 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। लेकिन अब ये 2 कार्बन है ना, तो अब ये देखें, सॉरी ये 2 ग्लूकोज है, तो इसमें बताओ एनोमेरिक कार्बन कौन सी है, 1 है। तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दूं, हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 3 पे चेंज है तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, क्योंकि ये हाइड्रोक्सल दोनों, ये भी से हाइड्रोक्सल, ये भी हाइड्रोक्सल, ये भी हाइड्रोक्सल, तो यहां पे इसकी स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोक्सल को ऊपर लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। ये हाइड्रोजन, फिर इसका दोबारा फिर हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एक ऑक्सीजन इधर है, फिर CH2OH, ये स्टेबल है 1 ग्लूकोज। इसी तरह से मैं इसको भी बना रहा हूं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्सल, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन यहाँ पे चेंज है तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, यहाँ पे हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन CH2OH, 2 ग्लूकोज बन गए। अब मुझे बताओ इस ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सी है,
वन है, तो ये एनोमेरिक कार्बन है वन। अब देखो अगर ये वाली एनोमेरिक कार्बन वन है तो फिर वन का बॉन्ड इस फोर के साथ बनेगा, यहां पे वन ने इस फोर के साथ लिंकेज करनी है। कैसे? यहां से देखें, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सल, ये वाटर की शक्ल में रिमूव हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे कंडेंसेशन हो जाएगी। अब आप देखें जब एच और ओ एच रिमूव हो गया तो पीछे इधर क्या बचा, सिर्फ पीछे यहां पे ये वाला देखें, सिर्फ ओ बचा, और ओ का बांड फिर डायरेक्ट किसके साथ रह जाएगा, इधर ये बांड ऐसे बन जाएगा सी ओ सी, ऐसा ही है ना, सी इधर देखें सी ओ सी, क्योंकि ओ एच तो रिमूव हो गया वाटर बन के, तो ये बांड बन जाएगा सी। तो सी ये कौन सा है, कार्बन नंबर वन है, ये सी कौन सा है, फोर है। अब मुझे बताएं ग्लूकोज के दोनों में एनोमेरिक कार्बन कौन सी है, वन फोर एनोमेरिक है, बताओ मुझे ग्लूकोज की, ये भी ग्लूकोज है वो भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज की एनोमेरिक कार्बन कौन सी होती है, वन, तो इसमें ग्लूकोज की ये वाली वन एनोमेरिक है, तो क्या फिर फोर एनोमेरिक है, तो इसकी एनोमेरिक कौन सी है, इसका मतलब है कि एक एनोमेरिक का बांड दूसरी नॉन एनोमेरिक के साथ बन रहा है, तो जिसमें एक एनोमेरिक और दूसरी एनोमेरिक फ्री हालत में हो, तो इस तरह की लंबी चेन या बॉन्डिंग जो बनती है वो बांड होता है वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो कौन सा होता है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो मजीद रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी में रह सकते हैं। तो बांड इसका क्या बनेगा जी, इसकी स्ट्रक्चर ऐसा बनेगी, ये देखें, ये मैं इसको पूरी स्ट्रक्चर को नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसको मेंशन कर दूंगा, ये देखें ऑक्सीजन, ये कार्बन नंबर वन था ये वाला, ठीक है, ये कार्बन नंबर टू है, ये कार्बन नंबर थ्री है, फोर है, फाइव है, और ये सिक्स है। अब इस वन का बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, ये देखें, वन के पास सिर्फ क्या बच गई थी, ऑक्सीजन, ये आगे वाली कार्बन, ठीक है, इस तरह से ये कार्बन, ये कार्बन, ये वाली, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और फिर ये कार्बन, आवाज समझ आ गई, ये कार्बन नंबर वन, ये कार्बन नंबर फोर, वन और फोर के दरमियान बांड बन गया, दिस इज कॉल्ड वन फोर ग्लाइको सिडिक लिंकेज, राइट, और ये कहलाएगा एक माल्टोज, माल्टोज, और ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग आप उसको बोलते हैं जिसमें एक फ्री एनोमेरिक कार्बन हो, इसका कार्बन नंबर वन ये फ्री एनोमेरिक है, ये एनोमेरिक है, ये एनोमेरिक नहीं है, तो जिसमें एनोमेरिक और नॉन एनोमेरिक के दरमियान बांड बने वो होती है रिड्यूसिंग शुगर, राइट। तो ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, इसको आप याद रखेंगे कि जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाए कि वन और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके दरमियान बनेगी, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा रिड्यूसिंग के नॉन रिड्यूसिंग अगर एमसीक्यूज हो तो आपने रिड्यूसिंग पे टिक करना। इसके एग्जांपल माल्टोज के वाले से आपको दे दी, माल्टोज की दूसरा नाम क्या बताया हुआ था, माल्ट शुगर, माल्ट शुगर, ठीक है, एक लैक्टोज था मैंने बताया वो मिल्क शुगर है, ठीक है, और सुक्रोज को बताया था कैन शुगर, वो चीनी को बोलते हैं। ये बात समझ आ गई आपको, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का आइडिया हो गया, वन फोर वन टू का भी आइडिया हो गया, अब वन फोर और वन टू को आगे भी हमने लेके चलना है, वन फोर और वन टू को आगे। अब अगर आप एक बार देखें, अगले टॉपिक में जाने से पहले इसको गौर से देखें, ये सीधी चेन ही चल रही है, इस तरह से ऐसे सीधी चेन चल रही है, ये सी वन डेफिनेटली अगले किसी फोर के साथ बांड बनाएगा, और उस यानी ये सी वन है फॉर एग्जाम्पल, ये वाला वो उसका है, ये अगले वाले किसी फोर से बांध बना रहा है, ये इसका सी वन आगे किसी फोर से बनाएगा, तो लंबी चेन चलती जाएगी, ऐसा ही है, इस तरह से सी वन, ठीक है, C4, फिर इसका C1, C4, C1, C4, तो ये एक लंबी चेन चलती जाएगी, ठीक है, तो याद रखें CO का जो बांड है ना, ये CO का बांड, ये जो बनाया मैंने CO, ये ग्लाइकोसिडिक बांड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान होता है, ये लीनियर फॉर्म है, ये अनब्रांच है, ये क्या है, अनब्रांच है, इसमें कोई ब्रांच तो नहीं बनी हुई, ये स्ट्रेट चल रही है, ठीक है, सीधी चल रही है। अच्छा,
अगले टॉपिक में जब जाते हैं तो हम उसमें, यहां तक तो इसकी बात क्लियर होगी कि हमें पता चल गया स्ट्रक्चर क्या है इसकी। अब आप अपनी बुक देखें, उस बुक पर मुझे बताएं किस किस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखें जरा आपकी बुक पे स्ट्रक्चर किस किस चीज का बना हुआ है, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। अब ग्लूकोज क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है, फ्रुक्टोज क्या है, कीटो शुगर है। बात समझ आ गई, क्योंकि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक है और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 4 एनोमेरिक है। वजह क्या है, वजह यह है कि इसने यहां पर रोटेशन शो की है, ठीक है, यहां पे इसने रोटेशन शो की है। और फिर आगे जो बाइंडिंग नजर आ रही है आपको, वो बन गया डाइसेक्राइड, ठीक है, और ये बन गया है क्या, ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज और आगे सुक्रोज बन गया, और वो डाइसेक्राइड है। उसमें जो बॉन्ड नजर आ रहा है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान है। दिस इज कॉल्ड 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस ये 1-2 आपकी बुक पे लिखी हुई है, 1-4 मैंने यहाँ पे लिख दी। तो 1-2 और 1-4 को जहन में रखना है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अगले टॉपिक में हमने डिस्कस करना है 1-2, 1-4 और 1-6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हमने 6 वाली बात भी पढ़नी है, ठीक है, 6 तक रोक देंगे बात को, फिर आप ये बड़ी क्लासेज में जाके आप पढ़ोगे और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बाद में पढ़ेंगे आप जाके। याद रखोगे क्या, क्लियर नहीं समझ रही। अच्छा, इसको आपने ना कर लेना तैयार यहां तक। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है बेटा जी। अच्छा, इसको एक और बात याद रखें, जो ओलिगोसैकेराइड है ना, ये लेस स्वीट इन टेस्ट है एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें, ये लेस स्वीट इन टेस्ट है, ठीक है, और लेस सोलबल इन वाटर है उसके अकॉर्डिंग, मोनोसैकेराइड के अकॉर्डिंग। मोनोसैकेराइड स्वीट इन टेस्ट, ओलिगोसैकेराइड लेस स्वीट इन टेस्ट। इसी तरह से आप पॉलीसैकेराइड का जिक्र करेंगे, ठीक है, ये स्वीट लेस होते हैं। मोनोसैकेराइड सोलबल इन वाटर, ओलिगोसैकेराइड लेस सोलबल इन वाटर, और पॉलीसैकेराइड सेपरेटली सोलबल इन वाटर, ठीक है, या ठीक है वो सोलबल नहीं हो सकते, ठीक है। बहुत सारे हमने अभी रिएक्शन इसकी चीजें लिखनी है। तो देखिए यहां पे हम बात करेंगे पॉली सैकराइड्स। यहां पे आप इसके एटमोलॉजी समझे पहले, पॉली का मतलब होता है मैनी, और सैकराइड यानी शुगर के जो यूनिट्स है, शुगर सैकराइड शुगर, ठीक है, मीठी चीज को बोलते हैं। तो बहुत सारे शुगर के यूनिट्स को बोलते हैं पॉलीसेक्राइड में। बेटा जी हम इसका पहला पॉइंट लिख दें, ठीक है, हम इसको लिखेंगे जी लेस स्वीट, लेस स्वीट को भी लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्वीट लेस, स्वीट लेस एंड टेस्ट लेस, ना ही मीठे ना इसका कोई जायका है, ठीक है। स्प्रिंगली सोलबल इन वाटर, इन वाटर, फिर हम लिखेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, यील्ड क्या होगी ऑन हाइड्रोलिसिस, जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाए वाटर की मौजूदगी में, आल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज ब्रैकेट में लिखेंगे मोनोसेक्राइड, मोनो सेक्राइड्स आर फॉर्म। यानी जब आप इसकी ग्लाइको जब आप इसकी ग्लाइकोलाइसिस इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही बनेंगे। मोनोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी क्योंकि वो खुद छोटे यूनिट्स हैं। ओलिगोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस करने पर 3 से 7, 3 से 10 तक, मोनो 3 से 10 तक जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। अब इस पॉलीसेक्राइड के अगर एग्जांपल देखें तो बेटा जी स्टार्च, ये इसकी एग्जांपल है, फिर ग्लाइको जेन इसकी एग्जांपल है, सेलुलोज इसकी एग्जाम्पल है, पेक्टिन इसकी एग्जाम्पल है,
एगर इसकी एग्जांपल है, डेक्सट्रिन इसकी एग्जांपल है, काइटन इसकी एग्जांपल है, ये सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं। ये सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं। अब हम यहां पे स्टार्च का जिक्र करेंगे, ग्लाइकोजन का जिक्र करेंगे, सेलुलोज का जिक्र करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्च के हवाले से, फिर ग्लाइकोजन, फिर सेलुलोज, फिर हम इनके इनके बारे में जिक्र करेंगे। देखें नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, फिर हम बात करेंगे स्टार्च। इसका एमसीक्यू देखेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन। एट इज स्टोर फॉर्म इन प्लांट्स। तो ये प्लांट्स की स्टोर फॉर्म है, पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हालत में है वो क्या है? स्टार्च है। वो क्या है? स्टार्च है। अच्छा, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी, जाहिर बात है पॉलीसेकेराइड में आ रहा है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड बनेंगे जो कि ग्लूकोज है। अब स्टार्च में हमने आगे एग्जांपल देखनी है, अमाइलोज और अमाइलो पेक्टिन, ये हमने देखना है, अमाइलोज और अमाइलो पेक्टिन। तो पॉइंट नंबर वन देखें जी, ये अनब्रांच है, अनब्रांच, ठीक है। नंबर टू, ये सॉल्युबल इन गर्म पानी, ऐसा ही है, और सॉल्युबल इन गर्म पानी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखें, वन टू ग्लाइको स्टेरिक लिंकेज इसमें शो होगी, इसमें कौन से लिंकेज शो होगी? वन टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। और इसको इसी हवाले से लिख दें, ये अनब्रांच है, ये क्या है? ये एमसीक्यू जो मैं लिख रहा हूं अब, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये सोलबल इन हॉट वाटर है, ये किसी में भी सोलबल नहीं है, इन सोलबल, इन सोलबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, ये हॉट और कोल्ड वाटर में इनसोलबल है। अब इसका पॉइंट ये है, चाहे माइलोपेक्टिन है चाहे माइलोज है, स्टार्च जो है ना गिव ब्लू कलर, ब्लू कलर विद आयोडीन, ये एमसीक्यूज है जी, ये वाला भी एमसीक्यूज है, इसके सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज में आते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन को लाजमी याद रखना है, और ये सवाल आना है लाजमी, एमसीक्यूज या शॉर्ट इसमें से जरूर आना है, क्योंकि हर बार इसमें से सवाल आता है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिंकेज देखें कौन सी है, वन टू ग्लाइको, बल्कि वन टू नहीं आएगा इसमें, वन फोर है, वन फोर एंड वन सिक्स ग्लाइको सिडिक लिंकेज, ये एमसीक्यूज याद रखना है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें शो होती है, ये एमसीक्यूज याद रखना है, वन सिक्स, क्योंकि ये नफर बताया नहीं हुआ, इसको तो आपने जहन में रखना है, दो टॉपिक याद होगा, तो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज का एमसीक्यूज आएगा कि 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में है, तो आपने आंखें बंद करके बता देना कि माइलोपेक्टिन में है। वजह क्या है? क्योंकि ये ब्रांच है, ब्रांच में ये घूम कर एक दूसरे के पास आते हैं, ब्रांचिंग बनी हुई है, जिसकी वजह से इसमें 1,6 शो हो जाती है, 1,4 भी होती है, जबकि माइलोज में 1,2 है। यहां तक बात समझ आ गई? अब इसकी 1,6 कैसे होती है वो भी दिखा दूं, 1,2 आपको बता के दिखा दी कैसे शो होती है, जब दो एनोमेरिक कार्बन आपस में जुड़ती हैं, 1,4 कब होती है, एक एनोमेरिक और दूसरी नॉन एनोमेरिक, लेकिन
यहां पे 1,6 जो है, 1,6 में ऐसा होता है, एक एनोमेरिक होती है, दूसरी भी दूसरी एनोमेरिक नहीं होती, लेकिन दूसरी कौन सी होती है? डेफिनेटली आपको बताया कि अगर 1,2 है तो जाहिर बात है कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 2 के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। अगर 1,4 है इसका मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। अगर 1,6 है तो फिर ये देखो, ये देखें ऐसा ही है, ये इसी तरह से, और ये देखिए फिर ये कार्बन नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसको आगे मैं बांड बना दूं इसके साथ, ओ सी चले, नहीं समझ रही? ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 है। अब गौर करें, ये तो चेन बन गई, अब इसमें ब्रांच बनानी है। ब्रांच कैसे है? ब्रांच इस तरह से है, यहां पे एक और मैं बनाता हूं, ये कार्बन कौन सी, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। इसको लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 1 और 6 का बांड बना हुआ है इनका आपस में, इनका बांड बना हुआ है, ये देखिए इनका आपस में, ये ब्रांच भी बन गई। तो ये ब्रांच है, ब्रांच है अमाइलोपेक्टिन, तो ब्रांच बन गई इस तरह से। तो ब्रांचेस जो होती हैं उनमें 1,6 भी होती है, ये 1,6 ये वाली बन गई ना 1,6, और ये वाली कौन सी बन गई 1,4, इसमें 1,4 भी है 1,6 भी है, नहीं समझे? तो इसमें 1,4 भी है और 1,6 भी है, ये चीज याद रखनी आप, याद रह जाएगा। अच्छा इसकी फिर जो है ना दूसरा ग्लाइकोजन का और जो इसका सेलुलोज का है वो टॉपिक कल डिस्कस करेंगे, वो तो छोटा सा ये 5 मिनट का ही है, कल डिस्कस कर लेंगे। इसका आइडिया हो गया सारा, ब्लू कलर देगी, ये पॉइंट्स याद करने, जो बातें बता दी है याद रखनी है आपने, एमसीक्यूज में भी आता है।